हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लेक्चर नंबर 6 में क्या किया पहले ये जान लेते, फिर हम लोग लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग ने पढ़ा था स्पेस कम्युनिकेशन, और स्पेस कम्युनिकेशन को हम लोग ने डेफिनेशन के बाद हम लोग ने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग ने जाना था ये जो है वो डिवाइड होके ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में जा रहा है। नंबर सेकेंड में हम लोग ने क्या पढ़ा था, स्काई वेव प्रोपागेशन के बारे में। और नंबर थर्ड में आता है स्पेस वेव प्रोपागेशन, और नंबर फोर्थ में आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्या किया था, फर्स्ट में हम लोग ने डेफिनेशन जाना था स्पेस कम्युनिकेशन का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने डेप्थ में क्या किया था, डेप्थ में किया था ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, ठीक है। और ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में हम लोग बेसिक में बता दे रहा हूँ, इसका जो फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, यदि हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी था वो 500 किलोहर्ट्ज़ टू 1500 किलोहर्ट्ज़ में था, ठीक है। एक्चुअली ग्राउंड वेव प्रोपागेशन हम लोग का दो फ्रीक्वेंसी रेंज को जनरली लेता है। ये हम लोगों का जो 500 किलोहर्ट्ज़ टू जो 1500 किलोहर्ट्ज़ था उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियम वेव प्रोपागेशन, ठीक है। और हम लोगों का यदि इस 500 किलोहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़, तब इस समय हम लोग ये फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट वेव बैंड, ठीक है। ये मीडियम वेव बैंड प्रोपागेशन के लिए होगा, ये हम लोग का ये फर्स्ट ए का, ये सेकेंड का, ठीक है। 500 किलोहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़ जब रहेगा, ये हम लोगों का कौन सा रहेगा, शॉर्ट वेव बैंड बोला जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का किस में रहेगा, हम लोगों का इम्पोर्टेंटली ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में ही रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग ने पूरा डेप्थ में जाना था। फिर उसके बाद हम लोग ने नंबर सेकेंड में जाना था स्काई वेव प्रोपागेशन में, ठीक है। ये हम लोग ने पूरा डेप्थ में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने स्पेसिफिक जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, 1700 से लेके हम लोग ने 1700 किलोहर्ट्ज़ से लेके हम लोग ने कितना तक किया था, 30, ठीक है, 30 से ज़्यादा होना चाहिए, 30 जनरली हम लोग ने 30 to 40 मेगाहर्ट्ज़ का लिखा था, ठीक है। लेकिन ये इवन कम रेंज से स्टार्ट होके 1700 किलोहर्ट्ज़ से लेके 13 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा, दैट मीन्स 40 मेगाहर्ट्ज ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। यहाँ तक जब रहेगा तब हम लोग कौन सा रहेगा, स्पेस वेव प्रोपागेशन के लिए, ठीक है। और जो स्पेस वेव प्रोपागेशन जो रहेगा हम लोगों का कौन सा में रहेगा, आइनोस्फियर से, ठीक है। आइनोस्फियर में हम लोगों का क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा विद इन दिस फ्रिक्वेंसी रेंज ओनली, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने टर्म जाना था क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी में एक टर्म जाना था, कौन सा जाना था, हम लोग ने जाना था क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसका मैंने डेफिनेशन बोल चुका हूँ। और इसके बाद हम लोग का एक फॉर्मूला आता है एफ सी, दैट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 9N, ठीक है। ये जो हम लोगों का N है उसको बोला जाता है हम लोगों को वहाँ पर डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ये बोला जाता है, या फिर डेंसिटी आयनाइजेशन बोला जाता है, डेंसिटी आयोनाइजेशन, ठीक है। और ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला तुम लोग स्पेसिफिकली नोट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग कौन सा ये इसके बारे में जानने वाले, दैट इज थर्ड मोड ऑफ स्पेस वेव, ठीक है। स्पेस कम्युनिकेशन में थर्ड जो प्रोपागेशन रहेगा दैट इज स्पेस वेव प्रोपागेशन। तो यहाँ तक हम लोगों को फुल्ली क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। ये हम लोग का थर्ड टाइप,
स्पेस वेव प्रोपागेशन। अब इसमें क्या होता है, ये देखो, दिस इज आवर ट्रांसमिटिंग एंटीना, दिस इज आवर रिसीविंग एंटीना, ठीक है। और जो हम लोगों का मोड रहेगा, ठीक है, मोड मतलब क्या होता है, हम लोगों का एक मीन्स रहेगा, मीन्स रास्ता, रास्ता हिंदी में, ठीक है, हिंदी में। अब यहाँ पर देखते हैं मोड, ठीक है, इसमें कैसे रहेगा, वेन द रेडियो वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना रीच द रिसीविंग एंटीना डायरेक्टली और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्राउंड और फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर, ठीक है, फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर द वेव प्रोपागेशन, जो वेव प्रोपागेशन होगा, ठीक है, ये कैसा होगा हम लोग का, स्पेस वेव प्रोपागेशन बोला जाता है। ये डेफिनेशन वाइज थोड़ा और सिंपल में लिख दिया, ठीक है। दैट मीन्स वेन द रेडियो वेव्स, जो भी हम लोग का वेव्स रहेगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना, दैट मीन्स ट्रांसमिटिंग एंटीना हो गया, रिसीविंग एंटीना हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स ये डायरेक्टली भी ऐसे करके जा सकता है, ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके भी जा सकता है, या फिर एक लेयर रहेगा यहाँ पर, ये लेयर जो रहेगा ये हम लोगों का कौन सा रहेगा, ट्रोपोस्फियर लेयर रहेगा, ठीक है। और याद रख लेना, स्काई वेव में हम लोगों का कौन सा होता है, आइनोस्फियर, ठीक है, बट स्पेस वेव में हम लोगों का क्या रहेगा, ट्रोपोस्फियर रहेगा, ठीक है। और यहां तक हम लोगों को पूरा क्लियर हो गया, ऐसे करके रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद यहां पर ऐसे करके जाएगा, ठीक है। और ये प्रोपागेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस वेव प्रोपागेशन बोला जाएगा, ठीक है, ये पार्ट पूरा एकदम क्लियर। अब यहां पर फिर से उसी को यहां पर दूसरा वे से लिखा, इट इज दैट मोड ऑफ वेव प्रोपागेशन इन विच रेडियो वेव्स इमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंटीना रीचेज द रिसीविंग एंटीना। देखो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना हो गया, ये हम लोगों का रिसीविंग एंटीना हो गया, ठीक है, रीचेज थ्रू स्पेस। लेकिन ये चीज याद रख लेना, डायरेक्टली भी हो सकता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी होता है, और फ्रॉम ट्रोपोस्फियर भी हो सकता है। तब हम लोगों का जो प्रोपागेशन रहेगा उसको बोला जाएगा हम लोग स्पेस वेव प्रोपागेशन, क्लियर। अब रेंज देखते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो रहेगा वो हम लोगों का रहेगा 54 मेगाहर्ट्ज़ टू 4.2 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। याद रख लेना, ग्राउंड वेव में स्टार्टिंग में था 500 से लेके 1500, ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पर हम लोग का 30 तक मैक्सिमम जा रहा था किलोहर्ट्ज़, ठीक है, ये हम लोग का ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में था। स्काई में कितना था हम लोग का, 30-40 मेगाहर्ट्ज़ तक था, लेकिन ये इतना रेंज तक ही पॉसिबल होगा। लेकिन हम लोगों को इफ मोर देन फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब 40 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्पेस स्काई वेव प्रोपागेशन इतना तक कर लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा चाहिए, तो हम लोगों को कौन सा प्रोपागेशन यूज करना पड़ेगा, स्पेस वेव प्रोपागेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, चलो ये पार्ट क्लियर। अब द स्पेस वेव ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना, लगेगा स्ट्रेट से स्ट्रेट ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन पार्ट है जो हम लोगों को जानना है, लाइन ऑफ साइट, ये पार्ट जानना है, ठीक है, इसका हम लोग डेरिवेशंस भी करेंगे। अब देखते हैं लाइन ऑफ साइट मतलब क्या होता है, ये समझो, जो भी डिस्टेंस रहेगा ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना का, जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, द डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस, यहाँ पर लिखा भी है, द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस बिटवीन द
ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना एट विच दे कैन सी ईच अदर, दिख रहा है एक दूसरे को, ठीक है। ये जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल ओ एस बोला जाएगा, दैट मीन्स लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये पार्ट हम लोगों का हो गया। अब देखते हैं रेंज, कितना रेंज तक हो सकता है। रेंज का फॉर्मूला देखा जाए तो 2 इंटू एच टी आर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 एच आर आर, इसका मतलब ये डी हम लोग का जो दिया है वो रेंज के लिए दिया है, ठीक है। अब वही पार्ट यहाँ पर हम लोग ने जो लिखा है, एच टी मतलब होता है हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, आर मतलब होता है हम लोग का रेडियस ऑफ अर्थ, जनरली टेकन एज 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर ही लिया जाता है। एन एच आर मतलब होता है हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, ठीक है। दैट मीन्स देखो रेंज किस किस पे डिपेंड हो रहा है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ इज फिक्स्ड। सो यहाँ पर वही कंक्लूजन लिखा है, द रेंज ऑफ द स्पेस वेव कम्युनिकेशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना। दैट मीन्स जितना ये बढ़ाओगे दोनों चीज, उतना रेंज भी क्या हो जाएगा हम लोग का, बढ़ जाएगा। इसका हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं इसका डेरिवेशंस कर देता हूँ, ठीक है। चलो डेरिवेशन के पार्ट देखते हैं। अब देखो, ठीक है, ये पार्ट ये देखो। अब यहां पर आ गया रिलेशन बिटवीन द कवरेज डिस्टेंस एंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना। पहले क्या किया है, सिर्फ एक ठो का लिया है ट्रांसमिटिंग एंटीना का, ठीक है, और उसके बाद इसको डायरेक्टली प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब देखते सपोज पी क्यू, ये जो है पी पी एंड दिस इज क्यू, ये क्यू है, ठीक है। यहाँ पर मैं अच्छे से मेंशन कर दे, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, ठीक है। ये जो है हम लोग ने एच, ठीक है, यहाँ पर देखो एच लोकेटेड एट द पी, ये जो है हम लोगों का अर्थ है, दिस इज अर्थ, ये अर्थ लोकेटेड एट, ठीक है। ड्यू टू द फाइनाइट कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ये देखो ऐसे करके, सपोज ये ऐसे करके पी क्यू, ठीक है। अब ये जो है, ये देखो फाइनाइट ही है कर्वेचर, राइट, ये देखो ये यदि हम लोग ऐसे बाहर करें तो ये तो बाहर की तरफ चला जाएगा एंड दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है, मतलब उतना रेंज ही नहीं जाएगा। और ये वाला हम लोगों का सेकेंड का जो पार्ट रहेगा इतना तक पूरा कंफर्टेबली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को अर्थ तक ही तो चाहिए प्रोपागेशन का, ठीक है। सो ये पार्ट हम लोगों का हो गया। अब हम लोग ने क्या किया, पी कंसिडर किया, क्यू कंसिडर किया, इसका जो हाइट है एच कंसिडर किया, ठीक है। अब ये जो टी एंड ये जो एस है, ये हम लोगों का फाइनाइट कर्वेचर ऑफ द अर्थ, लास्ट पॉइंट, ठीक है, एस एंड टी टेंजेंट ही बन रहा है। टेंजेंट मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ये देखो ये वाला 90 डिग्री हो गया। चलो ये पार्ट भी क्लियर। अब हम लोग एस पी, ये पार्ट को लेट एस पी एंड टी पी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये वाला ये इसको डी मान लिया, इसको भी हम लोग ने क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द अर्थ ऐसे ऐसे, ये वाला हम लोग ने, ये वाला को क्या माना है हम लोग ने, आर माना है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलो ये पार्ट भी हो गया। अब एक्सटेंड करके रेडियस ऑफ द अर्थ, ये देखो ओ पी, ये देखो ओ पी, ये वाला पार्ट ओ पी, ओ एस, ओ एस, ये वाला भी रेडियस ऑफ द अर्थ, ये वाला भी रेडियस ऑफ द अर्थ, ओ टी क्या है हम लोगों का, आर आ गया। चलो ये पार्ट हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द पी क्यू इक्वल टू, ये हम लोग ने पहले ही कंसिडर कर लिया था, कितना है एच। एंड ओ क्यू इक्वल टू ये वाला, ये पूरा एक सेकेंड ना इरेज करके मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये हम लोग ने एच किया था, ये आर, ठीक है। अब ओ क्यू, ओ क्यू मतलब ये पूरा वाला,
क्या हो जाएगा हम लोगों का, ओ पी ओ पी ओ पी प्लस ये वाला ओ ये वाला, ठीक है, पी क्यू, दैट मीन्स आर प्लस एच, दैट मीन्स यहाँ से हम लोग का ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, और ओ पी हम लोगों को पता है कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एच, दैट मीन्स ओ क्यू मिल गया आर प्लस एच। अब हम लोग क्यू पी एस ट्रायंगल में देखता है, ठीक है, ये वाला क्यू एस ए, ये देखो क्यू हम लोग पी और किसको माना है, हम लोग क्यू पी एस को देखता है। सो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लग ही सकता है, लग सकता है कि नहीं, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हम लोगों का, एस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये एस पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का, पी क्यू स्क्वायर होगा, ये देखो, ठीक है, ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एस पी स्क्वायर हम लोग ने पहले ही बोला था, एस पी मतलब डी स्क्वायर प्लस पी क्यू मतलब कितना लिखा था हम लोग ने, पी क्यू मतलब एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता ही था, ये डी था, ये कितना था, एच था। तो इससे हम लोगों को एस क्यू मिल गया, कितना मिला, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये पार्ट हो गया। अब हम लोग एक्चुअल जो ट्रायंगल है इस ये वाला कंसीडर करते, ये वाला, ठीक है, ये वाला, एक सेकंड ना मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला, ये वाला कंसीडर किया, ये वाला कंसीडर किया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। जैसे हम लोग का इधर में भी बन रहा था 90 करके, ये हम लोगों का 90 था, ठीक है। तो हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो यही हम लोग का परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये किया था। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग कर सकता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हम लोगों का हो गया ये ट्रायंगल, ये हम लोग का 90 डिग्री था इसलिए हो गया। अब हम लोग ने ये वाला जब ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा ट्रायंगल करेंगे, ओ एस क्यू, ये वाला, ये तो 90 है, तो हम लोगों का क्या मिलेगा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, ये ऐसे कर लो, ये 90 डिग्री, ठीक है, क्यू ओ ये हम लोगों का क्या था, एस, ये हम लोगों को आर प्लस एच था, ठीक है, और ये हम लोगों का कितना था, आर था। तो यहाँ से हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकता है, ओ क्यू स्क्वायर मतलब, ठीक है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर मतलब कितना था, रेडियस ऑफ द अर्थ आर स्क्वायर प्लस ए एस क्यू स्क्वायर हम लोग को यहाँ पर मिला है, देखो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मिला, ठीक है, प्रीवियस में ही लिख दिया था एस क्यू स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो आर स्क्वायर प्लस टू आर एच प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये देखते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर घटा दो, ये भी कैंसल, तो डी स्क्वायर इक्वल टू टू आर एच, सो डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू आर एच, दैट मीन्स इफ ओनली वन एंटीना था यहाँ पर, ओनली एक एंटीना के लिए था, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करता है, डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एच आर, ठीक है, ये हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड अपॉन दिस हम लोगों का इफ ट्रांसमिटिंग एंटीना भी रहेगा एंड रिसीविंग एंटीना भी रहेगा, और इसका जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो 2HTR प्लस अंडर रूट ऑफ 2HRR, तो ये पार्ट में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, D इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2HR, ठीक है, इस समय सिर्फ हाइट ऑफ एंटीना, ठीक है, और D इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2HTR प्लस
अंडर रूट ऑफ 2HRR, इस पे हम लोगों को बहुत लोग डायरेक्टली पूरा ब्रैकेट में डाल देता है, ठीक है, ये सॉरी ये अंडर रूट में, तो ये गलत रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ याद रखें, ये सेपरेट में रहेगा, ये सेपरेट में रहेगा, तो 2HTR प्लस अंडर रूट ऑफ 2HRR, ठीक है, ये पार्ट अलग अलग से रहेगा, ये चीज़ याद रख लेना। और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, दिस इज मैक्सिमम LOS, दैट मीन्स लाइन ऑफ साइट, जब हम लोग का ट्रांसमिटिंग एंटीना रहेगा एंड रिसीविंग एंटीना भी रहेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन ये तुम लोग यदि प्रूफ तो NCERT से भी तुम लोग पढ़ सकता है और इसको तुम लोगों को कर लेना, ठीक है, प्रूफ तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ये हम लोगों का प्रूफ जो ये दैट इज सिंपल, ठीक है, ये पार्ट तुम लोग एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।